दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। वीवो T2X ये T1 सीरीज का सक्सेसर है जो कि चाइना में लॉन्च हुआ है फिलहाल आज के दिन, एंड काफी तगड़े स्पेसिफिकेशन। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको थोड़ी बुरी लग सकती है, कुछ ऐसी चीजें जो काफी तगड़ी लग सकती है, उन सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है। ये इंडिया में दो फोन्स के नाम से आने वाले हैं, रीब्रांड होकर। आपको मालूम है कि वीवो टी सीरीज के जो स्मार्टफोन होते हैं वो आईक्यू जी सीरीज के नाम से इंडिया में भी लॉन्च होते हैं, जो Z6 Pro है तो पॉसिबल अगला Z7 सीरीज हो सकती है, एंड वो T2X के नाम से तो आएगा ही आएगा। तो दोनों आने वाले हैं एंड पॉसिबली आईक्यू वाला ज्यादा चीपर होगा एज कम्पेयर टू वीवो। क्या है चीजें? वैसे चाइना की बात कर लें तो इसमें दो वेरियंट आए हैं। एक है 8GB 128GB जिसकी प्राइस रखी गई है 1599 yuan, जो कि 19,000 के आसपास होता है। अब इंडिया में इतना सस्ता तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, वीवो के नाम से आपको 25-25,000 के आसपास मिलेगा, लेकिन आईक्यू के नाम से जो आएगा ना वो काफी चीपर हो सकता है, पॉसिबली उससे भी कम प्राइस में। लेट्स सी, वेट करेंगे। कहा जा रहा है कि ये जुलाई में इंडिया में आएगा, जून में तो नहीं, पॉसिबली जुलाई में इंडिया में आएगा। एंड क्या चीजें मिलती हैं इसमें? सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.5 इंच का 144Hz रिफ्रेश रेट वाला वाटर ड्रॉप नॉच आता है, वो थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है, लेकिन IPS LCD का पैनल मिलता है। चलिए अच्छी बात है, रियर साइड पे ड्यूल कैमरा है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। देखने में एवरेज सा आईक्यू का वीवो का कौन सा स्मार्टफोन होता है ना वैसे ही दिखता है, ज्यादा कुछ खास नहीं। खास क्या है इसमें? इसका चिपसेट Dimensity 1300 का चिपसेट, स्नैपड्रैगन 870 के ऊपर समझ लो परफॉर्मेंस ऊपर उसके, एंड स्कोर 7 लाख के ऊपर चला जाता है एंड सारे परफॉर्मेंस के सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। एंड 5 MB बेस्ड है, बैटरी एफिशिएंसी आपको अच्छी खासी मिल जाती है परफॉर्मेंस में। चलिए गेमिंग ग्राफिक्स सब अच्छी खासी कर लोगे, कोई इश्यूज नहीं आएंगे, यानी परफॉर्मेंस तगड़ा रहेगा, वहां पे कोई इश्यू आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। एंड्रॉइड 12 के ऊपर आ रहा है जो कि फन टच OS के साथ आएगा इंडिया में। चलो अच्छी बात है, थोड़े से ब्लूटूथ रहेंगे, डिलीट कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो परफॉर्मेंस का सेगमेंट तगड़ा होने वाला है, वहां पे कोई इश्यूज नहीं आएंगे आपको। चलिए कैमरा की बात करते हैं तो डुअल कैमरा दिया है रियर साइड पे, थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है और उसमें भी कुछ खास नहीं है। 50 MP का प्राइमरी सेंसर और 2 MP का आपको एक डेप्थ सेंसर मिलता है। 16 MP का फ्रंट कैमरा है, रियर से 4K, फ्रंट से 1080 कर पाओगे, बुके पैनोरम HDR सब कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें भी कोई इश्यूज नहीं आएंगे। कैमरा एवरेज टाइप के हैं जो कि आपको थोड़े से डिसअपॉइंट कर सकते हैं उस प्राइस के हिसाब से। बैटरी की बात करोगे, बड़ी बैटरी है, 6000 mAh की बैटरी है 44W के फास्ट चार्जर के साथ, तो एक बड़ी बैटरी, एक तगड़ा फास्ट चार्जर मिलता है टाइप सी के पोर्ट, वहां पे आपको कोई इशू नहीं आएगा, तो बैटरी फास्ट चार्जर आपको तगड़ा वाला मिल जाता है। चलिए अच्छी बात है। इसके बाद सेंसर्स की बात करोगे तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, 3.5 mm जैक, स्टीरियो स्पीकर, सारी चीजें मिल जाती हैं, एक्सेलेरोमीटर, एम्बेडेड लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कॉम्पास, सब मिल जाएगा। सेंसर्स के डिपार्टमेंट में आपको कोई इशू आने वाला नहीं है, एक्सपांड नहीं कर पाओगे, ये चीज याद रखना। वैसे 8GB 128GB और 8GB 256GB दो वेरियंट आते हैं। UFS 3.1 का सपोर्ट दिया है। स्टोरेज एंड रैम की बात करोगे तो LPDDR4X दिया हुआ है जो कि थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है, वैसे UFS 3.1 लेटेस्ट। चलिए अच्छी बात है, यानी सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, प्राइस 20,000 के नीचे आ जाता है, 19,000 के आसपास, 1599 yuan कन्वर्ट करते हो तो 19,000 के आसपास होता है। एंड कहा जा रहा है इंडिया में जुलाई में आएगा, पॉसिबली प्राइसिंग 25,000 के नीचे होगी दोनों की, चाहे आईक्यू चाहे वीवो के अंडर आए। अब ये देखने वाली बात होगी किसके अंडर आता है। चलिए वेट करोगे नहीं इसका जरूर बता देना, एंड कैसा लगा स्मार्टफोन अगर ये 25,000 के नीचे इंडिया में आता है तो लोगे जरूर बताना, एंड कैसा लगा वीडियो भी बता देना। एंड मेरे हिसाब से 25,000 के नीचे सिर्फ Dimensity 1300 के बेस पे थोड़ा मुश्किल रहेगा, अगर ये 20-22,000 तक आ जाता है तो मैं कहूंगा तगड़ा हो सकता है, एंड ऑफर के साथ 20,000 के नीचे, 25,000 तो मैं कहूंगा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं किस प्राइस पे लेके आते हैं। वैसे आईक्यू और वीवो के प्राइसेस चाइना और इंडिया में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होते, ये चीज याद रखना। लेट्स सी, देखते हैं, वेट करोगे सर जरूर बता देना। साइड में देखो वेक्टर में, जिसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे सपोर्ट भी कर देना। एंड अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, तब तक के लिए दोस्तों।